जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। अरे अम्मा, मेरे हाथ ना बहुत बड़ी असामी लगी है, और ये देख अंगूठी भी दी है, और तुझे पता है 1 लाख से ज्यादा की तो उसने मुझे शॉपिंग करवा दी। दिखा इधर, ये ले। अरे वाह, अंगूठी तो बहुत भारी लग रही है, और असली सोने की है, खालिस। 1 लाख 1.5 लाख की तो होगी। एक बात याद रखना किरण, आदमी सिर्फ उस लड़की को अंगूठी नहीं पहनाता जिससे उसने शादी करनी हो, कभी कभार लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए भी मर्द ऐसे हरबे आजमाता है, याद रखना ये बात। तेरी बेटी इतनी भी पागल नहीं है अम्मा, वो लड़का बहुत ही शरीफ और सुलझे हुए खानदान का है। अच्छा, फिर उसे कहो के लेके आए अपने माँ बाप को, रिश्ता मांगे। वो तो मरा जा रहा है मुझसे शादी करने के लिए, मैंने ही मना किया। बस क्यों, तुमने मना क्यों किया? तू जानती नहीं है क्या, लास्ट टाइम नायला की शादी में एक लड़के को मैं पसंद आ गई थी, और उसने नायला से मेरी तस्वीर भी मांगी थी, मगर कमबख्त इस घर को और इस मोहल्ले को देखकर भाग गया। फिर तो ये भी भाग जाएगा, वही घर है वही मोहल्ला। इसे नहीं भागने दूंगी, इसे तो मैं अपनी मोहब्बत में इतना दीवाना कर दूंगी इसे मेरे अलावा कुछ और नजर ही नहीं आएगा। और मेरी मोहब्बत में दीवाना होकर ये अपने पूरे खानदान को लात मार देगा, मेरे पीछे मजनू बन के घूमेगा। ये बेल मुंडेर चढ़ते हुए मुझे नजर नहीं आ रही, अच्छा खासा रिश्ता आया था, उजाला 20 में ना आती तो आज तेरी शादी की तैयारियां कर रही होती। हाय हाय, तौबा तौबा अम्मा, तू वहां मेरा रिश्ता करवाएगी? मैं तो कहती हूँ उस लीचर से उजाला की शादी करवा दे 1000 बार, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अरे उस नगोड़ी की इतनी जल्दी शादी करूंगी मैं? अभी तो बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं मुझे। नौकरी ढूंढ रही है। बख्तियार ने भी अपने ऑफिस में नौकरी की बात की है उसकी, नौकरी लगने दे उसकी, जरा सुकून से बैठ के पहले उसकी तनख्वाह खाऊंगी, सारे हिसाब चुकाने हैं मुझे। महंगाई की चादर ओढ़कर सारे खर्चे करना, घर संभालना कोई आसान काम है? मैं करती हूँ, मेरी हिम्मत है, अब देखना मैं क्या करती हूँ। अम्मा तू भी बड़ी मीसनी है, बहुत तेज है। हाँ तू चुप रह, ये पकड़। सालन बन चुका है, रोटियां भी बना दी हैं और सलाद भी। आपको क्या हुआ, चाय देने गई थी ना? कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम छत पे जाओ, मैं धुलने वाले और कपड़े लेके आती हूँ। हुआ क्या है, चाय क्यों वापस ले आई? उजाला, वो तुम उस दिन इंटरव्यू देने गई थी ना किसी दफ्तर में, क्या बना उसका? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, एक दो और जगह अप्लाई किया है मैंने, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन ये चाहे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जॉब ढूंढने की और मजीद आगे बढ़ने की, मैं नानी से कहती हूँ वो तुम्हारा किसी अच्छी जगह रिश्ता करवा। आप ही प्लीज, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके सामने, मुझे शादी के मसलों से दूर रखे हैं आप, मुझे आपकी तरह अपनी सारी जिंदगी ससुराल वालों की खिदमतें करते नहीं गुजारनी, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करना चाहती हूँ, कुछ ख्वाब है मेरे, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। आप ही उजाला, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कितनी फिक्रमंद रहती हूँ, रातों को नींद नहीं आती ये सोच के कि अगर मुझे कल कुछ हो गया तो तुम्हारा और मेरे बच्चों का क्या बनेगा। चलो बच्चों के सर पे तो उनका बाप होगा, दादी होगी, लेकिन तुम्हारे सर पे तो कोई नहीं होगा हाथ रखने वाला, और फिर कल को नानी को कुछ हो गया तो तुम्हारा तो इस घर के अलावा और कोई ठिकाना भी नहीं है। आप भी, कुछ नहीं होगा ना आपको ना नानी को, कैसी बातें करने लग जाती हैं आप। डॉक्टर्स ने कहा इस दफा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, और जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है वो इसलिए क्योंकि आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, ना वक्त पर खाती है और हर वक्त घर का काम करती है आप। हाँ
तो इसमें हर्ज ही क्या? दुनिया की हर औरत घर का काम करती है। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, लेकिन दुनिया की हर औरत की सास मोमानी की तरह नहीं होती। अभी मोमानी को आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, ना आपके खाने पीने का, ना आराम का, ना जहनी सकून का। अभी मेरा दिल चाहता है क्या मैं आपको और बच्चों को लू और यहां से दूर चली जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां मोमानी और किरण जैसे बेहिस लोग ना हो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। किरण तुम क्या हुआ, मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गई? अरे नहीं, तो कपड़े डाल रही थी। कपड़े? वैसे कब से चल रहा है ये कपड़े डालने के बहाने इश्क माशूकी का चक्कर? कौन सा चक्कर, क्या बात कर रही हो? कौन सा चक्कर? वही जो अभी मैंने अपनी इन दो गुनाहगार आंखों से देखा है, मतलब ये नमूना। कब से चल रहा है ये इश्क माशूके का चक्कर, कब से तुम अपने इश्क की पींगे बढ़ा रहे हो? किरण तुम पागल हो गई हो, तुम जानती नहीं मुझे, और ये सवारा लड़के के साथ क्या बात कर रही हो? देखो उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मतलब हो गया तुम्हारी चॉइस को जाला, मतलब ये लड़का, ये नमूना, ये लीचड़, ना शक्ल ना सूरत और ना ही कोई स्टेटस, मतलब तब्बा। वो क्या है, वो कैसा है, ये तुम बेहतर जानती, लेकिन आइंदा मेरे साथ इस तरह की बेहुदा बातें मत करना। हमारी यूनिवर्सिटी के सारे किस्से मैं जानती हूँ, अगर आइंदा मेरे साथ इस तरह की कोई भी बात की ना, तो बख्तियार भाई को बताते हुए एक मिनट नहीं जाया करूंगी। मुझे धमकी दे रही हो तुम? हाँ यही समझ लो। ठीक है, मैं जाकर बी जान को बता देती हूँ कि आपको उजाला के लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। भाई क्यों इतनी परेशानी उठाएं, उजाला ने तो खुद अपने लिए लड़का ढूंढ लिया, ये नमूना। ओके बस कर दो किरण, अगर एक और लफ्ज कहा ना तो। तो बोला तो क्या करोगी तुम? तुम्हारे मुंह लगना ही फजूल है, लेकिन आइंदा मेरे साथ इस तरह की घटिया बातें मत करना। समझती क्या ये खुद? इसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखे, जानती नहीं है कि किरण चीज क्या है। एक वक्त था जब मेरे सामने सांस नहीं लेती थी, गले से आवाज नहीं निकलती थी उसकी डर के मारे, लेकिन आज कैंची की तरह जुबान पर चलने लगी है। तुमने ही सर पे चढ़ाया होगा।
मेरे सामने चलाए ना जबान, मुंह तोड़ दूं उसका। इधर ही आ रही है। मोमानी जान, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। पूछने आई हो या इत्तला देने आई हो? बख्तियार भाई से पूछ लिया था, उन्होंने खुद भी कहीं बात की है मेरी जॉब के लिए। बख्तियार कौन होता है इजाजत देने वाला? कहीं भी जाना होगा ना तो मुझसे इजाजत लेनी होगी, समझे तुम? जी। इस घर की इज्जत का ख्याल कर लो कुछ। सुनो, बड़ी बहन हो ना तुम, बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसको इस घर के तौर तरीके बताओ। बताओ इसे कि सास से इजाजत लेके जाना है। नौकरी ढूंढने जाएगी, पता नहीं कहां कहां फिरेगी ये। अम्मी, उजाला ऐसी लड़की नहीं है। जानती हूँ मैं, ऐसी वैसी नहीं है, बहुत पाकबाज धुली हुई है, फिर भी हमारे घर के तौर तरीके हैं, इजाजत लेके तो जाना पड़ेगा ना इसे। जी अम्मू, वैसे आज तक उजाला ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से आपका या आपके बेटे का सर झुक जाए। अच्छा, तो आज जो मैंने इसे छत पर रंगे हाथों उस लड़के के साथ इश्क मशूकियां करते हुए पकड़ा था, वो सब क्या था? हाँ, अपनी इन आंखों से देखा है मैंने उस लड़के के साथ इश्क की पींगे बढ़ाते हुए। आप ये झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। मैंने अपनी आंखों से देखा उससे इश्क मशूकियां करते हुए, ऐसे ऐसे इशारे कर रही थी तू, झूठ बोल रही हूँ मैं? मैं आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे गलत फहमी हुई है? बता ना क्या कह रहा था। फोन पे बातें तो जरूर हुई होंगी, इश्क मशूकी भी चली, मुलाकातें भी हुई, सरा ख्याल नहीं तुम्हें हमारी इज्जत का। बता के लिए अम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप, कुछ तो ख्याल कर लें। ऐसा कुछ नहीं है ये तुम कह रही हो, पूरा मोहल्ला थू थू करेगा हम पे। तुम अपनी बहन और नानी को तो बेवकूफ बना सकती हो, उनकी आंखों में तो धूल झोंक सकती हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। मैंने तो अम्मा जी से पहले ही कह दिया था कि अम्मा जी माफ कर दे, मैं जवान जहान बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती। कल कलां का कोई बात होगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वही हो रहा है, इसकी नौबत नहीं आएगी मोमानी जान। इस घर की इज्जत मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, और बीजान मैं सिर्फ छत पर कपड़े डालने गई थी और कुछ नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो हलीमा, आइंदा मैंने तुम्हारी बहन को छत पर देखा उस लड़के के साथ तो तुम दोनों बहनों का वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे इस पे पूरा भरोसा है। तुम बिला वजह बच्ची पे शक कर रही हो। जाओ बेटा, तुम्हें देर हो गई, जाओ। और सुनो, ये दुपट्टा अच्छी तरह लो और बालों को पोनी लगाओ। ये क्या लटे निकाली हुई है बाहर, और क्या ये लेपा पोती करके जा रही हो? नौकरी ढूंढने जा रही हो या रिश्ता ढूंढने जा रही हो अपना? क्या क्या कह रही है अम्मी, हल्की सी लिपस्टिक तो लगाई हुई है। हल्की सी लिपस्टिक? हमारी लड़कियों को जेब देता ये लिपस्टिक लगाना? ये हल्की है, लालो लाल होंठ किए हुए। मेरी बेटी को देखो, गुलाबी होंठ खुदा ने दिए इसे, और चेहरा देखो कैसे चमक रहा है नूर से। कुछ इससे सीख लो। इधर कर, हल्की कर, हल्की कर, बस बस अब जा। देख सर पे चढ़ गई है ये, लालो लाल लिपस्टिक लगा के नौकरियां ढूंढने जा रही है। कौन सी लड़की है जो लालो लाल लिपस्टिक लगा के जाती है? दफा कर, जाने दे, ये ले। सर पे चढ़ गई है ये ज्यादा। अम्मा जी आपने चढ़ाया हुआ सर पे, और कुछ नहीं। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। आप भी कभी मना नहीं करती इसको, आपको भी मुंह पे जूता मारना चाहिए था इसके। लाल लिपस्टिक, अच्छा ना गुस्सा छोड़े, आए एक सेल्फी बनाए, स्टोरी बनाए। स्माइलिंग फेस तो कर लेते, हंसी भी नहीं आ रही मुझे। अल्लाह, चलो ना। यूं धूप में कहां घूम रही हो मेरी जान? ऐसे में तो तुम्हारा कलर खराब हो जाएगा और वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आओ, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। बैठो। का वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, तमाशा बनाना बंद करो। तुम्हें देखे बगैर मेरा दिन गुजरता नहीं है, और तुम कहती हो कि तुम्हारा पीछा छोड़ दो। उजाला प्लीज, तुम आज रात को छत पर आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ, प्लीज इनकार मत करना। तुमने मेरा नाम कैसे लिया?
खबरदार अगर अपनी गंदी जुबान से मेरा दोबारा नाम लिया तो। सुबह से लेकर रात तक हजार बार तुम्हारा नाम लेता हूँ, यूं समझो कि तुम्हारे नाम की माला झपता हूँ मैं। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? धमकियां दे रही हो मुझे तुम? पुलिस को बुलाओगी? कौन सा मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ? बुलाओ पुलिस को। कहाँ है पुलिस? हाँ मैं ना बख्तियार भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगी, वही तुमसे बात करेंगे। उससे पहले मैं खुद तुमसे बात करूंगा। उजाला प्लीज एक बार हाँ करो, फिर देखना मैं अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूंगा रिश्ते के लिए। एक बार प्लीज। तुम यहाँ से जाते हो या मैं शोर मचाना शुरू करूँ? मचाओ मचाओ शोर, बुलाओ पुलिस को। कौन है? बुलाओ। हाँ मेरी बात तो सुनो। देखो उजाला प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। प्लीज उजाला ये थप्पड़ मैं कभी नहीं दूंगा, समझी तुम? अच्छी बात, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये थप्पड़ तुम हमेशा याद रखो। हेलो, मेरी बात सुनती नहीं जाओ? ये आशिक लोग भी बड़े अजीब होते हैं, कोई डिस्को, कोई शरीफ और कुछ मुझ जैसे विलन। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा उजाला, कभी नहीं। उजाला तुम्हें क्या जरूरत थी उस आवारा के मुंह लगने की? करने देती उसे बकवास, थक हार के खुद ही पीछे हट जाता, मगर तुमने तो भी इतनी बेहुदा बातें कर रहा था जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी। मेरा तो दिल कर रहा था शोर मचाओ, लोगों को इकट्ठा करो ताकि उसको डंडे पड़े। खबरदार ऐसा सोचना भी नहीं, ऐसे लड़के बहुत खतरनाक होते हैं, काले नाक की तरह जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते, और तुमने तो उसे थप्पड़ मार के और शह दे दी है। अब बचकर रहना उसे, और हाँ आज के बाद छत पे तो बिल्कुल अकेले मत आना। मैं छत पर नहीं आऊंगी तो कपड़े फैलाने कौन आएगा? आप आएंगी इस हालत में? हाँ आ जाऊंगी, लेकिन तुम तो नहीं आओगी। आप ही प्लीज, आप इस हालत में नहीं आएंगी, और फिक्र ना करें, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जाला मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो, और ये दुनिया जालिम लोगों से भरी पड़ी। मैट्रिक से लेके बीए तक तुमने प्राइवेट किया है, घर से बाहर निकलना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और आज तुम दफ्तर की जॉब ढूंढ रही हो। अगर तुम्हें दफ्तर की जॉब मिल जाती है तो रोजाना बाहर आना जाना होगा। मेरी मानो तो तुम घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। आप भी ट्यूशन से क्या मिलेगा? मैंने इतने अच्छे नंबरों से बीए किया और अब तो मुझे डिग्री भी मिल गई है। हाँ तो शादी के बाद या शादी के लिए ये डिग्रियां विग्रियां काम नहीं आती, और नहीं रिश्ते वाले ये सब कुछ देखते हैं। रिश्ते के लिए तो लड़की की शक्ल सूरत, उसका किरदार और उसका सुघड़पन देखा जाता है, और फिर मेरी बहन में तो ये तीनों खूबियां कूट कूट के भरी हैं। देखना कोई खूबसूरत सा शहजादा आएगा मेरी बहन को ले जाने के लिए। बिल्कुल। ये लो चाय साहबजादे। तुम भी लो। हलीमा से प्लॉट बेचने की बात की तुमने? अभी तो नहीं की, कर लूंगा। कब करोगे बात? पूरा एक महीना हो गया तुझे कहते हुए कि प्लॉट की हलीमा से बात कर लो कर लो कर लो, लेकिन नहीं, जन मुरीद है पूरे का पूरा। अरे अम्मा रहम कर दो, मैं कहां से जन मुरीद होने लगा। अरे एक दो बात उसकी मान ली तो बाकी की सारी बातें तो मेरी मानती है ना, और तुम्हारी कौन सी बात को उसने ना की है आज तक? मेरी बात को ना कर ही ना दे वो, इसलिए कह रही हूँ
खुद बात कर लो तो अच्छा है। मुनासिब वक्त देख के कर लूंगा। कब आएगा मुनासिब वक्त? अब इस तेरे मुनासिब वक्त के इंतजार में मैं बैठी रहूं। देख बख्तियार, हलीमा से प्लॉट बेचने की बात जल्द अज जल्द कर ले तो अच्छा है। मुझे पूरा यकीन है वो इनकार नहीं करेगी तुझे, मान जाएगी और बेचो इस प्लॉट को। छोटी सी उसकी बहन थी जब इस घर में आई है। माँ बाप के इंतकाल के बाद हमने पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। खदमत का कोई सिला तो हमें मिलना चाहिए ना, हमारा हक है भाई। क्या तो तुम ठीक रही हो अम्मा, मगर फिर भी। मगर फिर भी क्या, प्लॉट को जल्दी से बेच, अच्छा सा ग्राहक लगा, जल्द अज जल्द प्लॉट बिकना चाहिए। अपनी किरण के लिए डिफेंस का अच्छा सा रिश्ता आया हुआ है। कसम से मैं तो चाहती हूँ किरण की चट मंगनी पट ब्याह करे। हैं? ये डिफेंस के लोग यहाँ कहाँ से आ गए? अरे उसकी सहेली है ना वशमा, उसके ससुराली रिश्तेदार हैं। वशमा की शादी पे अपनी किरण उनको अच्छी लग गई थी। वशमा से उन्होंने मेरा नंबर मांग कर मुझसे रब्ता किया है, रिश्ता मांगा है उन्होंने। कसम से अपनी तो लॉटरी निकल आएगी, बहुत अच्छे लोग हैं। बेटी की शादी करेंगे, उनकी हैसियत के मुताबिक जहेज भी तो देना पड़ेगा ना, जल्दी से प्लॉट बेच बस। अम्मा चादर देख कर पाँव फैलाओ। ज्यादा नसीहतें मत कर, अल्लाह अल्लाह करके किरण के लिए अच्छा रिश्ता आया, तू नसीहतें कर रहे। मुझे 10 से 15 लाख रुपए हर हाल में चाहिए। देख कुछ पैसे तो मैंने जमा किए अपने। कसम से मेरी बेटी की शान और शौकत से शादी हो जाए ना, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे बख्तियार, हमारे भी दिन बदल जाएंगे। और तू उजाला की फिक्र ना कर, उजाला और किरण में फर्क थोड़ी है। उजाला भी मेरी किरण जैसी है, जब उसकी शादी की बारी आएगी अल्लाह उसके लिए भी करम कर देगा। दोनों एक ही जैसी हैं मेरे लिए तो। देख उसके ससुर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इतना बड़ा कारोबार है, हो सकता है फैक्ट्री में तुझे भी हिस्सेदार बना ले। अरे तेरे भी दिन बदल जाएंगे, और हो सकता है किरण के तवस्सुब से उजाला के लिए भी अच्छा रिश्ता आ जाए। बस जल्दी से प्लॉट बेच, पैसे चाहिए मुझे, मैं कुछ नहीं जानती। जय, बख्तियार ये साथ वालों का लड़का आते जाते उजाला को छेड़ता है और छत पे भी इशारेबाजी करता है। हाँ अम्मा ने बताया था मुझे, जानता हूँ उसे मैं, रिजवान नाम है, एक नंबर का आवारा और बदमाश लड़का है। इसी बात का डर था मुझे कि कोई ऐसा वैसा लफंगा लड़का ना हो। आप उसके घर वालों से बात करें ना, ऐसा ना हो कलकला को कोई ऊंच नीच हो जाए। किससे बात करो, घर में कोई है ही नहीं, एक बूढ़ी माँ है, बाप तो कब का गुजर चुका, कोई भाई भी नहीं जिससे बात की जा सके, एक शादीशुदा बहन है, ससुराल से लड़ झगड़ के कभी आ जाती है कभी वापस चली जाती है। तुम उजाला को समझाओ कि छत पे ना जाए और बाहर जाते हुए जरा मोहतात रहे। अच्छा मैंने तुमसे प्लॉट बेचने का कहा था। कौन सा प्लॉट? अरे वही प्लॉट जो तुम्हारे माँ बाप तुम दोनों बहनों के लिए छोड़ के गए हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप बख्तियार, वो हम दोनों बहनों का नहीं सिर्फ उजाला का है, और वो प्लॉट हमारे पास उजाला की अमानत है, अगर हम वो बेच देंगे तो उसकी शादी कैसे करेंगे? हो जाएगी उसकी शादी, मैं करवाऊंगा शादी ब्याह, जहेज के जितने खर्चे होंगे मैं उठाऊंगा, मेरी बहन है वो, बस एक बार हमारा कारोबार चल निकले फिर तुम देखना कैसे हमारे दिन फिरते। ये आपको बैठे बैठे कारोबार की क्या सूझी, अच्छी भली नौकरी तो कर रहे हैं आप, और फिर आपके पास पैसा कहाँ से आएगा और वक्त कब मिलेगा आपको? सरकारी नौकरी है, सुबह से दोपहर तक वहाँ होता हूँ, उसके बाद फारिग होता हूँ। सोच रहा हूँ मोहल्ले में कोई छोटी मोटी करियाने की दुकान खोल लूं, मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। अगर तुम प्लॉट बेच दो और मेरे लिए कुछ रकम का बंदोबस्त कर दो तो मैं सारी जिंदगी एहसान बन रहूंगा तुम्हारा। मैं वादा तो नहीं कर रही आपसे, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, नानी से तो मुझे मशवरा करना होगा, उनकी इजाजत के बगैर मैं प्लॉट बेचने का सोच भी नहीं सकती।
नानी से मशवरा, फिर तो बिक गया प्लॉट। देख, प्लॉट को तो तुम भूल जा, तेरी दादी ने बेचने से साफ इनकार कर दिया। ये किसी प्लॉट का तो आसरा था, तुझे क्या लगता है मैं खाली हाथ मुंह उठाकर अपने ससुराल पहुंच जाऊं? देखो मैं साफ साफ बोल देती हूँ, या तो तू अपनी बहू से बात कर ले या मैं जाती हूँ। खबरदार, जो उनसे बात करने गई तो यतीमों से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुझे तो अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए, खुदा ने इतना अच्छा लड़का भेज दिया तुम्हारे लिए। जहां तक रही बात जहेज की, वो ऊपर वाला बंदोबस्त कर देगा, और हो सकता है वो लोग जहेज देने से खुद इनकार करते हैं। बिल्कुल, और तुझे क्या लगता है मुंह उठाकर खाली हाथ अपने ससुराल पहुंच जाऊं, कोई जहेज ना लूं, क्या इज्जत रहेगी मेरी ससुराल में? ऐसे क्यों सोच रही है, पागल हो गई है क्या? मेरे पास वो प्राइस बॉन्ड पड़े हैं ना, और वो जो तुम्हारे अब्बा ने मुझे कंगन गिफ्ट किए थे वो भी पड़े हैं, मेरा छोटा सा सेट है, और तो और हलीमा का सेट भी तुझे दे दूंगी, क्यों दिल छोटा करती है? अरे अम्मा, 2-2.5 लाख तो क्या होता है, क्या औकात है आजकल के जमाने में 2-2.5 लाख की? ऐसे बता रही है जैसे करोड़ों रुपए है। मैं कह देती हूँ अम्मा, मुझे अच्छा खासा जहेज देगी तो मैं इस घर से जाऊंगी। देख, मुझसे जो होगा जहेज के नाम पे करूंगी, लेकिन वो प्लॉट उजाला के नाम है, तुम्हारी दादी नहीं मान रही, मैं क्या करूँ? ये उजाला के लिए क्यों रखा हुआ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, जैसे उसकी शादी बड़ी किसी अमीर घर में होने वाली है। तुम्हारी भाभी उसके लिए रिश्ते तलाश कर रही है, समझे तुम? और तो और अम्मा जी ने भी 2-4 रिश्ते अच्छे अच्छे ढूंढ रखे हैं उसके लिए। वो जिस दिन रिश्ता आया था ना तुम्हारे लिए, तो नखरे कर रही थी जाने से, वो भी उसी को पसंद कर गए हैं। मेरे लाख मना करने के बावजूद कमबख्त रिश्ता डालने से बाज नहीं आया। तो जाने दे, किसी तरह तो जान छूटे उससे, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे। वैसे ये अम्मा, अगर उजाला का रिश्ता बगैर किसी खर्चे के, बगैर जहेज के हो जाए, जैसा करें कि झट मंगनी पट ब्याह हो जाए तो? मशवरा तो अच्छा है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? अरे वो पड़ोसियों का लड़का है ना रिजवान, कुछ चक्कर चला के उसके साथ उजाला की शादी करवा देते हैं। शादी करवा देते हैं, रिश्ता होगा तब ना, ना तेरा भाई मानेगा ना दादी मानेगी। वो सब तो मुझ पे छोड़, ऐसा चक्कर चलाऊंगी सबको, प्लॉट जहेज ये सब छोड़ के अपनी इज्जतों की पड़ जाएगी। ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बस तू देखती जा अपनी बेटी का कमाल। कमर गई मेरी। क्या हो गया मोमानी? कपड़े धोते धोते कमर में चुभ पड़ गई। तुम ऐसा करो, ये फैलाओ सीढ़ियां, तो मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा, ये मैं करती हूँ। पक्का कर लेंगे आप? हाँ, कर लूंगी कर लूंगी। और सुनो, ऊपर कबूतरों को दाना डालना मत भूलना। मैं डाल देती हूँ। यहाँ से डाल दे, आप ख्याल से करें प्लीज। Thank you.
भी जाना। Now what? ये देख क्या खजाना हाथ लगा है। इस कागज के टुकड़े में क्या खजाना है? ये किसका नंबर है? पानी ला देना। अच्छा जल्दी ले आओ। पानी तो तुम सो गई हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूं, पी लो। पता नहीं किरण क्या मसला है तुम्हारा। उजाला, आज के कपड़े नहीं उतारे छत से? अम्मा जी की चादर कब से ढूंढ रही हूँ जो आज धुली थी, मिली नहीं रही। भूल गई मुमानी जान, अभी जाकर ले आती हूँ। तुम भी ना, भूलने की बहुत आदत है तुम्हें। जाओ जाके कपड़े उतार के लाओ। शाबाश जाओ। जी अभी गए। क्या हो गया, हैरान क्यों हो रही हो? क्या कहना चाहती हो मुझे? अरे तुमने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया यहाँ पे। मैंने मैसेज किया तुम्हें? अच्छा बताओ क्या कहना चाहते हो? मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया, जाओ यहाँ से। कपड़ा क्यों रही हो? हाँ जो कहना है कह, एक बार कह दो प्लीज मुझे। खुदा की कसम तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया से टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़ो वरना शोर मचा कर ना मैं सबको इकट्ठा कर लूंगी। हाथ छोड़ो मेरा। हलीमा बख्तियार बाहर आओ, मेरी बात सुनो। बख्तियार बाहर आओ, बख्तियार बेगम को लेके बाहर आ। चलो मेरे साथ। क्या हो गया अम्मा, शोर क्यों कर रही हो? मेरे साथ छत पे चलो। हैं क्यों? अभी चलो छत पे। मगर अम्मा हुआ क्या है, इस वक्त छत पे क्यों जाना है हमने? क्या बात है, आधी रात को इतना शोर क्यों मचा रही हो? अम्मा जी इसलिए शोर मचा रही कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरे साथ छत पे चले। आपकी लाडली उजाला एक गैर मर्द के साथ बैठी है। आंखें खुली की खुली रह गई ना, ऊपर चले चल के देखे, आंखें फट जाएंगी। क्या बात कर रही हो अम्मा, उजाला ऐसी नहीं है। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उजाला बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो तो बहुत मासूम सीधी सादी सी लड़की है,
ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। अरे मैं कब कह रही थी कि ऐसी है? मैंने कब सोचा था? मैंने उसे देखा, मेरा भी तो दिमाग घूम के रह गया कि खैर मर्द के साथ बैठी है। खबरदार, जो किसी ने भी मेरी मासूम बहन के किरदार पे कीचड़ उछालने की कोशिश की तो। कीचड़ नहीं उछाल रही हूँ। नहीं यकीन आ रहा तो चल के ऊपर देख ले। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। कपड़े लेने भेजा था ऊपर छत पे, वापस नहीं आई। मैंने कहा जाके देखू लड़की जाते ऊपर अकेली क्या कर रही है। देखा तो हमसाए के हाथों में हाथ डाले बन्ना बैठी। नहीं मुमानी जान, आपको गलतफहमी हुई होगी। वो अपने कमरे में सो रही है, वो कोई और होगा। भाभी, जाला कमरे में तो नहीं है, वो तो काफी देर से गायब है। बल्कि मुझे तो कहकर गई थी कि भाई के लिए चाय बनाने जा रही है। चले मेरे साथ, चले। आए 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 अम्मा जी, आप तो आए ना, देखें जाके अपनी लाडो के काम क्या कर रही है ऊपर। जाला तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाथ छोड़ो तेरी जेब मचाल। ये हो रहा था यहाँ पे, फूल खिला रही थी ये। नहीं छोड़ेगा, पुलिस को बुलाऊंगा। मैं खुद नहीं आया। ए, 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 तेरी बहन ने मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया है। तुझे यकीन नहीं आता, देख ले मोबाइल का। तुझे जान से मार दूंगा। बख्तियार, 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 छोड़ दे, छोड़ दे। बख्तियार, इस खबीज को छोड़ दे, इसका क्या जाना है? इस कमीने की तो मुआशरे में इज्जत नहीं। हमारा तो मुकाम है, हम जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बात को मत बढ़ा, बस कर दे बेटा, बस कर। अबे तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरी मोहब्बत में मार खाई है मैंने उजाला। तफा तू यहां से। अम्मा मुझे छोड़ो। तफा तो यहां से, तफा जा, तफा जा, मनहूस कमीज दबा जा। चलो ना यहाँ से। पीजा मैंने कुछ नहीं किया। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी।